This call is now being recorded. देखो यही सारी टर्म्स आई थिंक मैंने डिस्कस कर दी थी तुम लोगों के साथ. डिग्री हो गया था क्या? वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ लिया था. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है. इनको हम अल्फाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. कॉन्स्टेंट क्या होता है? ऐसे नंबर, ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो. जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है. इनकी वैल्यूज क्या है? फिक्स्ड है. फिर हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है. उसमें उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि टर्म्स क्या होती है. टर्म्स मैंने तुम्हें क्या बताया था? या तो खाली वेरिएबल को एक टर्म बोल देंगे, या फिर कॉन्स्टेंट को एक टर्म बोल देंगे, या फिर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे? एक टर्म. इन्हीं टर्म्स को कंबाइन फॉर्मेट में, मतलब प्लस और माइनस की हेल्प से लिख दिया, और उसी एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया इन्होंने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या सारे पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में छोटा सा डिफरेंस था, कि वो क्या था? क्या था डिफरेंस? डिफरेंस क्या था? मतलब ऐसे डिस्टिंग्विश करना हो कि भाई ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक ही चीज. हाँ बोलो बेटा. Yes, yes, ma'am. We can say that every algebraic, I mean, every polynomial is an algebraic expression, but not all polynomials are algebraic expression. हाँ वो ठीक है. There is an expression with. Yes, ma'am. Okay, there is an expression with its the variable has an exponent of, let's say, a number that is a non-positive integer. Then it will not be considered as a polynomial. नॉन पॉजिटिव इंटीजर या नॉन, हाँ ठीक है, नॉन पॉजिटिव. नॉन पॉजिटिव नंबर्स कौन से हो गए? मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए आपके होल नंबर. ठीक लिखा है? ठीक बोला आपने. आपने उल्टा नहीं बोल दिया. नॉन पॉजिटिव तो वो हो गए ना जो पॉजिटिव नहीं है, और पॉजिटिव नहीं है वो तो नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव हो गए वो होल नंबर नहीं होंगे, राइट? तो यहाँ क्या आएगा? नॉन नेगेटिव. ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे बोल दो, नॉन नेगेटिव वर्ड. ठीक है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और नॉन नेगेटिव में इंटीजर भी आगे लगा दिया तो क्या हो गया? जीरो से स्टार्ट हो गया. अगर मैं खाली पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया तो ये वन से स्टार्ट होते. इस वजह से नॉन नेगेटिव बोलना ठीक रहता है, क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाता है. क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिनोमियल के लिए हम क्या देखते हैं? डिग्री क्या होती है? होल नंबर होती है. कि अगर नॉन पॉजिटिव इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ध्यान रखो कि होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, जीरो से आगे कुछ भी चलेगा. होल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था भाई? हम टर्म्स देखते हैं. ठीक है, सपोज 2x² - 5x + 6 अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? हाँ तो शार बता, टू हो जाएगी. बेसिकली टर्म्स देखते हैं अलग अलग, उन टर्म्स में वेरिएबल की पावर देखते हैं. जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मिले, वही जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या हो जाती है? डिग्री. ठीक है, फिर हमने टाइप्स पढ़े थे. दो बेसिस पे हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे. क्या? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पॉलिनोमियल में, और एक क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, इन दो बेसिस पे आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल को. देखो, अगर डिग्री के बेस पे हम लोगों को डिफाइन करना हो कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल है या कैसे कैसे उनके नाम होते हैं, देखो पहला केस क्या है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1. डिग्री 0 और उस पे बाद में आएंगे. पहले पहला केस देखो, जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो 1. क्या ये सारे पॉलिनोमियल तुम्हें दिख रहे हैं जिनकी डिग्री क्या है? 1 है. डिग्री 1 है, इधर x की पावर 1 है. इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, या फिर यू लगा लो इसमें वेरिएबल है तो उसकी x की पावर क्या है? 0. y माइनस x प्लस 2, √3x - 2, यहाँ सब में क्या है? डिग्री 1 ही है. तो ऐसे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिनकी डिग्री क्या हो आपकी? 1 हो. सेकंड क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी. मतलब बेसिकली हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी? 2. जैसे यहाँ देखो, इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है, तो डिग्री 2 होगी. यहाँ क्या है हाईएस्ट पावर? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और ये भी बेसिकली क्या है? मैंने बोला था अगर ऐसे तुम्हें मिक्स्ड करके दे दें तो पावर क्या देखते हो? टोटल देखो, इसकी पावर x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल कितनी हो जाएगी? 2. तो डिग्री यहाँ भी कितनी होगी? 2. इधर भी कितनी है? y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट देखे तो 2 ही है. तो बेसिकली ये भी ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए क्योंकि इनकी डिग्री क्या है? 2.
थर्ड देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब डिग्री क्या हो जाएगी आपकी थ्री, जैसे यहाँ दिख रही है हाईएस्ट पावर इसमें थ्री है, ठीक है, यहाँ दिख रही है हाईएस्ट पावर, अब देखो आगे पीछे लिखा हुआ, अब जैसे ऐसे आगे पीछे लिखा मिलेगा ना, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ेंगे, इनको एक प्रॉपर तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, अब इसने तो बेशक ऐसे लिख दिया, हम लोग क्या करेंगे इसको तरीके से लिख लेंगे, हालांकि अगर डिग्री पूछे तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख लिया करो, क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे ना उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कंपेयर वगैरह करना पड़ेगा, काम आएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली किस तरीके से लिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर सबसे आगे लिखी है, फिर बेसिकली आपकी डिक्रीज हो रही है पावर, देखो जैसे यहाँ एक्स का क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, और इधर वो वाली टर्म लिखी है जिसमें एक्स की पावर क्या है जीरो, तो एक्स की पावर्स क्या हो रही है कम हो रही है। लास्ट लास्ट क्या है आपका बायो, इसके आगे भी होते हैं बट इसके आगे नहीं पड़ता, कोई काम नहीं आते आपके। फोर्थ क्या है बायो क्वाड्रेटिक, जिसमें आपकी डिग्री क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी, ठीक है। ये किसके बेसिस पे आपने डिविजन किया है, बेस्ड ऑन डिग्री। सेकेंड डिविजन क्या है, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, अगर वन टर्म दिखी आपको अपने पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ वन टर्म है, इधर भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, उसको क्या बोलोगे मोनोमियल। बाइनोमियल में तो नाम में ही छुपा हुआ है बाय, बाय का मतलब टू है, मतलब जहां आपको जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स दिखेंगे उसको आप क्या बोलोगे बाइनोमियल, यहाँ दो टर्म्स दिख रही है, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा थ्री टर्म्स, देखो वन टू थ्री, तीन टर्म्स दिख रही है, वन टू थ्री, तीन टर्म्स दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर दो एक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो क्या है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, अगर लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया तो तुम बता सकते हो, और एक क्या है आपका जीरो पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कुछ कॉन्स्टेंट होगा इसके अंदर, वेरिएबल नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने थ्री लिख दिया, क्या ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, थ्री को कैसे लिख सकते हो, थ्री एक्स जीरो, थ्री एक्स की पावर जीरो, ठीक है। अगर मान लो फाइव लिख दिया किसी ने, ये भी क्या है आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स की पावर जीरो, ये तो ठीक है, चलो जितने भी नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गए वो, अगर इसकी कोई डिग्री पूछ ले तो जीरो, ठीक है जीरो भी, डिग्री जीरो भी। इसी तरीके से जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो को ही बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, जीरो को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स की पावर वन, जीरो इंटू एक्स की पावर टू, जीरो इंटू एक्स की पावर हंड्रेड, जीरो इंटू एक्स की पावर थाउजेंड, अल्टीमेटली ये सारी चीजें आंसर क्या दे रही है जीरो ही दे रही है। लेकिन अब यहाँ कोई डिग्री पूछ ले तो डिग्री तो डिफाइंड है क्या, जीरो टू हंड्रेड थाउजेंड, क्या क्या बताओगे उसको, कितनी सारी डिग्रीज है इसकी, इनफाइनाइट डिग्रीज बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड हो गया, डिफाइन नहीं कर सकते उसको, क्लियर है ये चीज। रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ लिया था कि अगर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे, अल्फाबेट्स के थ्रू ही करते हो, जैसे देखो अलग अलग तरीके हैं, पी ले रखा है इन्होंने, एफ जी, ठीक है, कल को ये एफ आर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो किस कुछ भी ले सकते हो, पर जो ये ब्रैकेट में लिख रहे हो अंदर, ये क्या डिफाइन करता है, अगर उसने पी एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रखा है वो क्या है, एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रखा है वो क्या है आपका एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे एक्स। अगर यहाँ कल को ये यू लिख दे तो इसको पी एक्स मत लिख देना, ठीक है, इसको क्या लिखना पी वाई, ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, ठीक है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में वही क्या करना है ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उसके अलावा ये बाहर जो पी क्यू आर लगा रखी है कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेकंड वाला देखो एक बार, इसको देख के ही आइडिया लगा लोगे क्या ये कैसा पॉलिनोमियल है, कोई तुमसे पूछ रहे इसकी डिग्री क्या है, कोई यूं पूछ रहे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो मतलब इसको एज इट इज देख के पता लगोगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, थोड़ा सा करोगे ना सॉल्व इसको, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं देखोगे, चलो ये तो फिर भी मान लो तुम्हें चमक भी जाएगा मेंटली, ठीक है, कि भाई हाँ तुम इसको डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर से अलग अलग और इस तरीके का आएगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें नीचे रूट के अंदर क्वांटिटी हमने उसको सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, इसको सॉल्व करके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बहुत
दिखने में गंदा लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता चल गया भाई, हाँ ये उसके हम डिग्री बता सकते हैं, टर्म्स बता सकते हैं, या कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ ले तो हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इजी है बहुत। लीनियर पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो। ठीक है, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? टू एक्स, हाँ मुकेश बेटा बोलो। मुकेश आपको देना आंसर, मैम इट्स मी, यस इट इज, हाँ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि जी पॉलिनोमियल के तो सारे, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल है पहली बात, तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, उसके बाद तुम उसका टाइप देख रहे हो। ठीक है, ये भी चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है और हम उसकी टाइप की बात करने लग जाते हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री क्या है इसकी वन है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वन है, तो ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या ये लीनियर है? हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। यस मैम इट्स लीनियर, अच्छा ये मैंने थ्री लिख दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, थ्री एक्स की पावर जीरो, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। बेसिकली तुम देख रहे हो कि तुमने एक्स की एक पावर, यहाँ वन थी पावर और एक पावर कम वाली टर्म ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लीनियर फिर भी रहे। लेकिन अगर कल को मैं इस एक्स की पावर से ज्यादा पावर का कोई क्वेश्चन ले लू, मान लो मैंने फोर एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इस पावर से ज्यादा पावर का हो गया, मतलब वन से ज्यादा की पावर आ गई, यहाँ पर टू आ गई, तो इसकी डिग्री बदल जाएगी, डिग्री क्या होगी इसकी टू, ये लीनियर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा राइट। इसका मतलब तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से कि वन जो पावर है, वन पावर से ज्यादा पावर वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पहली चीज। उससे कम वाला तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी टर्म्स ऐड कर लो जिसमें उससे कम पावर है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी, जहां पर हम लोग मेंशन क्या कर देंगे, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये मेंशन क्यों किया है, अगर तुमने ए को ही जीरो कर दिया तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो गई, ये तो खाली बी बच गया, और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बेसिकली कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी जीरो भी हो सकता है, बी जीरो हो गया तो ए एक्स बचेगा, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल दिया था टू एक्स वाला। क्लियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए आपका क्या है नॉट इक्वल टू जीरो होगा और बी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ है, अगर इसके अंदर मैं एक, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? है, अगर इसके अंदर मैं क्या कर दूं, माइनस फाइव एक्स और ऐड कर दूं, या मतलब एक टर्म और लिख दूं, क्या ये अभी भी क्वाड्रेटिक है? हाँ है, इसमें भी डिग्री अभी क्या है, टू ही है, आपने एक छोटी डिग्री वाली टर्म ऐड कर दी। और अगर मैं इसके अंदर एक सिक्स और ऐड कर दूं, अभी भी क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तुमने एक छोटी डिग्री वाली क्या कर दी, टर्म ऐड कर दी। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर एक बड़ी डिग्री वाली या बड़ी पावर वाली टर्म ऐड कर दूंगी, मान लो मैंने फोर एक्स क्यूब ऐड कर दिया, तो ये अब क्या बन गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर से, मतलब टू से ऊपर तो तुम जा ही नहीं सकते, टू से नीचे जा सकते हो, जीरो तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। यहां पर भी कंडीशन क्या लग जाएगी, ये जो एक्स के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ ए, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपकी पूरी जीरो हो जाएगी, और ये कौन सा फॉर्मेट बच जाएगा पीछे, लीनियर फॉर्मेट बच जाएगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक रहने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो अगर ए जीरो कर दिया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, आपका क्या बच जाएगा, लीनियर। सेम आप यहां दोनों से ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या, एक्स की पावर जीरो थी, एक्स की पावर वन थी, एक्स की पावर जीरो हो गई, एक्स की पावर टू थी, एक्स की पावर वन, और एक्स की पावर क्या है, जीरो। तो अब कोई क्यूबिक लिखने को बोल दे तो तुम्हें दिख रहा है, कर तो क्या ही रहे हैं, एक्स की पावर ही डिक्रीज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हो जाएगी, एक्स की पावर थ्री लूंगी क्यूबिक करने के लिए, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर जीरो, इधर वन आ गई। आगे क्या लगा दूंगी, ये कोफिशियंट्स जुड़े हुए हैं ए बी सी और डी, और इनको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, यही आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें भी कंडीशन क्या लगा दोगे, ये जो ए है ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म ही चली जाएगी, क्या बच जाएगा पीछे आपका, क्वाड्रेटिक। क्लियर हुई चीज,
छोटी छोटी पावर्स के लिए ठीक है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, एनथ के लिए कैसे लिखोगे आप? डिग्री एन के लिए बात कर रही हूँ, डिग्री एन के लिए मतलब एक्स वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या होगी, एन, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे मतलब एक्स की पावर एन से तुम शुरू करोगे, एक्स की पावर एन माइनस वन, डिक्रीज कर दो धीरे धीरे, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, कहां तक जाओगे? लास्ट टर्म में तुम देखो क्या हो रहा था, एक्स की पावर जीरो ही हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो, ये तो वेरिएबल वाला पार्ट लिख दिया मैंने, आगे इनके कोफिशिएंट्स और लगा दो, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, और लास्ट क्या हो जाएगा, ए एन, और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, यही आपकी क्या है, पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और डिग्री क्या है इसकी, एन, एन है डिग्री, ठीक है। अच्छा एन है डिग्री, यहां पर भी अगर मान लो मैंने ए नॉट को जीरो कर दिया तो ये चीज चली जाएगी, अब ये कितने डिग्री का पॉलीनोमियल बच गया, नहीं तुषार बेटा मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने एक्स एन वाली टर्म को गायब किया है तो अभी भी जीरो कैसे बच गया, एन माइनस वन डिग्री का बच गया ना पॉलीनोमियल, तो ठीक है, तो हम लोग ए नॉट को जीरो नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन अगर उसने यूं बोल दिया ना कि nth डिग्री का पॉलीनोमियल है तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर nth डिग्री का पॉलीनोमियल है तो एक ऐसी टर्म होनी चाहिए आपकी पॉलीनोमियल में जिसकी पावर क्या हो, n हो, ठीक है, ए नॉट आप जीरो नहीं कर सकते उस केस में, क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। चले आगे, फटाफट देख लो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, चलते हैं फिर आगे। चलो एक बार मेरे को इसका आंसर देना, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर नॉट पॉइंट, मतलब ये कुछ एक टीचर ने क्या किया, बच्चों से पूछा है कि भाई आप वन पॉलीनोमियल वन वेरिएबल लिखो पेपर पे, ठीक है, तो बच्चों ने लिखा है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो पॉलीनोमियल्स नहीं है, चैट बॉक्स में दे देना आंसर। ध्यान से देख लेना कहीं तुम्हारा बीच में मिस हो जाए कुछ। कहाँ बोला जी, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था, ये जो गिवन एक्सप्रेशंस इनमें से आपको बताने हैं, इनमें से पॉलीनोमियल कौन कौन से नहीं है, तो कितने ऐसे एक्सप्रेशंस तुम्हें दिख रहे हैं जो पॉलीनोमियल्स नहीं है। अच्छा सूर्यांश ने फर्स्ट आंसर दिया थ्री, सेकंड का आंसर दिया थ्री, बाकी सुरेश आपके एक आंसर में गड़बड़ है बेटा। तुषार मोहम्मद आकर्ष देना आपको आंसर, मैं करा दूं? मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट श्योर अबाउट फर्स्ट, ठीक है, थ्री एंड टू सेकंड वन, ठीक है। देखो आपने तुषार लास्ट क्लास नहीं ली थी ना आपने, मैं वैसे पूछ रही हूँ इस वजह से शायद आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो देख लेना ठीक है, उसमें मैंने सारा समझाया था, एटलीस्ट आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आफ्टर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो वो आपने देखा नहीं है, आप शायद नहीं थे क्लास में, उसको देख लेना। अब देखो यहाँ क्या है, पूछ रहे हैं कि पॉलीनोमियल कौन से नहीं है, ये तो पॉलीनोमियल है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर वन है, ठीक है, पावर पावर ही देखनी होती है पॉलीनोमियल में, बेसिकली पावर होल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इधर भी क्या है वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ देखो
यहाँ आ गई प्रॉब्लम, एक्स क्यूब प्लस रूट थ्री एक्स प्लस सेवन. अगर ये ऐसे लिखता इसको तो ठीक है, x की पावर वन थी, पॉलिनोमियल होता, लेकिन इसने पूरे पे रूट दे दिया. इस पूरे पे रूट का मतलब क्या है? रूट थ्री, पूरे पे रूट का मतलब समझते हो? ये बेसिकली थ्री एक्स की पावर वन बाय टू दे रखा है क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, थ्री एक्स की पावर वन बाय टू मतलब थ्री की पावर वन बाय टू और एक्स की पावर वन बाय टू प्लस सेवन. ये पावर क्या होगी तुम्हारी? फ्रैक्शनल हो गई, होल नंबर नहीं रही. इसका मतलब ये क्या है? तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर भी क्या है? x की वेरिएबल की पावर होल नंबर इधर थ्री है, वन है, और इधर क्या है? x की पावर जीरो. यहाँ आ जाओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव बाई एक्स. इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस वन, यही बनेगा. ये पावर क्या हो गई? नेगेटिव, होल नंबर नहीं है, तो ये भी गया. इसी तरीके से इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. दिक्कत आ गई यहाँ पर क्या? x प्लस वन बाय एक्स को तुम क्या लिखोगे? x प्लस एक्स की पावर माइनस वन. ये क्या है? नेगेटिव पावर हो गई आपकी, नेगेटिव हो गई, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं है. दैट मीन्स कितने हो गए ऐसे जो पॉलिनोमियल नहीं है? थ्री. अब जैसे सूर्यांश ने आंसर दिया था, उसने क्या गड़बड़ की थी? सेकंड वाले में इसने पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. उसने क्या किया था? देखो मैं बताती हूँ उसने क्या गलती की होगी. क्वाड्रेटिक के लिए तुम्हें क्या देखना होता है? डिग्री टू है, ठीक है. यहाँ डिग्री क्या है? वन. इधर क्या है? टू है, ठीक है. एक तो ये है, ये डिग्री थ्री है, ये भी थ्री है, और ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री तो क्या चेक करेंगे? यहाँ क्या है? डिग्री वन है, ये भी नहीं है, यहाँ डिग्री थ्री है. देखो उसने आंसर दिया होगा इसका, ठीक है. यही दिया था सूर्यांश आपने? नो मैम, मैंने सेकंड लास्ट वाले में थ्री नहीं देखा था. अच्छा, आपने तो फिर अलग ही गलती कर दी. वैसे जनरली बच्चे क्या करेंगे? इसमें मिस्टेक करेंगे, इसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक. ये क्या है आपका? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है. जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका टाइप कैसे डिस्कस करोगे ना? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. हमने अभी भी पहले वाले पार्ट में इसको नॉट अ पॉलिनोमियल कंसिडर किया. अच्छा, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी पावर क्या है या डिग्री क्या है? वन. ये क्या है डिग्री यहाँ पर? थ्री. तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? एक ही है बस, ये वाला जो आपका क्या है? क्वाड्रेटिक है. क्लियर है तुषार? अब कोई डाउट इसमें? पॉलिनोमियल के लिए आपको सिंपली पावर चेक करनी है. वेरिएबल्स की पावर आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है. अब जैसे इसमें बता दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. इस बार पूछा है कि पॉलिनोमियल है कौन सा, देखने से ही पता चल रहा है. यस मैम. फर्स्ट हो जाएगा ये, क्यों नहीं है? एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन लिखा हुआ है, ये पावर होगी नेगेटिव. ये क्यों नहीं है? वाई की पावर वन बाय टू माइनस एट, पावर क्या होगी? फ्रैक्शन. और ये क्यों नहीं है? जेड की पावर फाइव माइनस, इसका मतलब क्या होता है? जेड की पावर वन बाय थ्री, ठीक है. तो ये पावर क्या होगी आपकी? फ्रैक्शन. तो इन तीनों में होल नंबर पावर नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका बच्चा जो क्या है? पॉलिनोमियल. क्लियर है? चले आगे. यस मैम. डिग्री बता दो फटाफट इसकी, क्या है? ऐसे ही बोल दो माइक. इसकी 15. 15. और इसकी 1 0 0. इसको आप कैसे लिख सकते हो? 8 into x की पावर 0. डिग्री कोई पूछ ले तो 0. वैसे भी ध्यान रख लेना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वो क्या करेगा ना, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो x equals to 3 पर. मतलब बेसिकली क्या है, सपोज ये उसने वो पॉलिनोमियल दे रखा है, बोलेगा x इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकालो. आप क्या करोगे? ये x की वैल्यू उठाकर इस पॉलिनोमियल में डाल दो x की जगह. तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना बनेगा? सॉल्व करोगे तो 17. यही क्या है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. मतलब किसी एक पॉइंट पर वो बोलेगा वैल्यू निकालो, आप उस पॉइंट को अपने पॉलिनोमियल में डाल के आंसर बता दो उसको, भाई ये आंसर आ गए. अच्छा, यहाँ पर आपने क्या किया? x की जगह 3 डाला है. तो x बेसिकली क्या है? ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो वेरिएबल यहाँ है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब मैं x की वैल्यू 3 डाल रही हूँ तो यहाँ पर भी क्या कर दूंगी? x की वैल्यू 3 डाल दूंगी. तो ये क्या हो जाएगा? f3 is equals to 70, ठीक है. बेसिकली मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 3 कितनी आ रही है आपकी? 70, ठीक है. इसी तरीके से वो आपको बोलेगा एट x equals to minus 2 निकालो, तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे? माइनस 2 पुट कर दोगे. और इस भी x की जगह क्या पुट कर दोगे? माइनस 2. तो ये क्या बनेगा? f ऑफ माइनस 2
माइनस टू पुट करोगे तो कितना आएगा, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस टू, ये कितना बनेगा 22। एक्स की वैल्यू जीरो पर पूछना चाह रहा है वैल्यू, तो आप क्या करोगे, एक्स को जीरो पुट कर दो इसमें। तो यहाँ एफ एक्स को जीरो पुट करोगे तो एफ जीरो, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो अल्टीमेटली टू के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू पे निकालोगे वैल्यू, जिस भी पॉइंट पर वो बोल रहा है, जिस भी एक्स की वैल्यू पर बोल रहा है, वो एक्स की वैल्यू अपनी क्या डाल दो, पॉलिनोमियल में डाल दो। चले आगे, इसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी से लिंक्ड क्या है आपका, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तुम क्या कर रहे थे अभी, कोई वैल्यू उठा के पॉलिनोमियल में डाल रहे थे, ठीक है, तो तुम्हारा कोई आंसर आ रहा था, जैसे यहाँ 17 आ गया। अब तुम क्या करोगे, मान लो तुमने कोई ऐसी वैल्यू उठा ली जिसको तुम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो, और तुम्हारा पॉलिनोमियल आंसर क्या दे रहा है उस पर, जीरो। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब कोई ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो तुम उस पॉलिनोमियल में डाल दो और वो पॉलिनोमियल तुम्हें आंसर क्या दे, जीरो। उसी वैल्यू को आप क्या बोल दोगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नाम से भी पता चल रहा है कुछ ऐसा जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे, ठीक है। क्लियर हुई है जी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। Yes, अब x माइनस टू का कोई जीरो पूछ ले तो x माइनस टू का तुमसे पूछेगा, इसका जीरो बताओ, वैसे इतने इजी का नहीं पूछेगा, हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं कि भाई x माइनस टू एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेस पे बता दो। लीनियर एंड मोनोमियल, ये हो गया आपका टर्म्स की बेसिस पे, ठीक है। तो x माइनस टू का वो तुमसे पूछेगा जीरो बताओ, मतलब ऐसी कोई वैल्यू x की जो तुम इसमें पुट कर रहे हो और इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। तो तुम्हें दिख रहा है ये तो डायरेक्टली चमक रहा है, टू माइनस टू क्या होता है, जीरो, यही होता है, ठीक है। अच्छा निकालोगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है, लीनियर का तो बहुत ईजी है भाई, एक्स माइनस टू का तुम्हें क्या निकालना है, जीरो निकालना है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, ऐसी कोई वैल्यू जब इसको क्या बना दे, जीरो, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो जीरो के, तो यहां से क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी, इसको उधर भेज दो, एक्स की वैल्यू टू, और तुम्हें पता है तुमने रख के भी देख लिया कि टू ही वो वैल्यू है जो इसको क्या बना रही है, जीरो बना रही है। तो लीनियर में तो बहुत सिंपल है, लीनियर में अगर आपको जीरो निकालना है तो आप क्या करोगे, अब कल को वो यूं पूछ ले 3x माइनस 3 का जीरो बताओगे, बता दोगे, मैंने क्या बोला था, ये लीनियर है। देखो वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है x is equals to 1 by 3 पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। तुम x को 1 by 3 यहाँ पुट करोगे तो 3 into 1 by 3 minus 3, ये अच्छा नहीं हो रहा ना, इस पे, इस पे तो नहीं हो रहा, किस पे हो रहा है, ये जीरो, 1 पे हो रहा है। x is equals to 1 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। x की जगह 1 डालोगे तो 3 minus 3 क्या बनेगा, जीरो, ठीक है। और तरीका क्या बता दिया लीनियर के लिए, भाई लीनियर जो भी तुम्हें पॉलिनोमियल दे उसको जीरो के इक्वल रख दो, यहां से क्या निकालो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा क्या है, जीरो, ठीक है। क्लियर है चीज, कर लोगे लीनियर के लिए, जीरो के इक्वल रख दो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा क्या है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात आती है क्वाड्रेटिक की, ठीक है, लीनियर में कोई समस्या नहीं है, समस्या आएगी तुम्हें क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की क्या समस्या आएगी, देखो पहले एक बार ये चेक करो, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कोरिस्पोंडिंग टू देम इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा गलत है ऑप्शन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जो एक्स आपको लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ऐसे माइंड कैलकुलेशंस करना, इसको कॉपी में तो उठा लेना। क्या पहले वाले में एक्स की जगह माइनस वन बाय थ्री पुट करोगे तो जीरो मिल रहा है, कहां गई, पहले वाले में ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर उन्होंने वैल्यूज दे रखी हैं क्या ये इन पॉलिनोमियल्स की जीरोस हैं कि नहीं। तो जीरोस हैं कि नहीं, ये चीज कैसे चेक करते हो, ये वैल्यू उठा के पॉलिनोमियल में डालो, अगर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है तो जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो तुम जब एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री यहाँ डालोगे, थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री गया तो माइनस वन प्लस वन कितना बन रहा है, जीरो, दैट मीन्स है कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आओ, सेकंड में तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख रहा है अगर तुम माइनस वन पुट करोगे ना तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बनेगा, जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो ही आएगा, मतलब ये तो है। सिमिलरली टू को तुम उठा के यहाँ पुट करोगे
तो देखो यहाँ पुट करोगे तो 2-2 ये 0 बनेगा, तो 0 into something क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये भी आपका क्या है, 0 of that polynomial है, क्योंकि polynomial को 0 बना रहे हैं, इतना जवाब। ये है क्या? Yes, ma'am. ये 0 पुट करोगे तो डायरेक्टली 0 हो रहा है, ये है x की वैल्यू माइनस m बाय लैम्डा, यहाँ पुट करोगे तो 0 बन रहा है, बन रहा है माइनस m बाय लैम्डा, तुमने x की जगह पुट किया प्लस m, लैम्डा से लैम्डा गया माइनस m प्लस m कितना हो जाएगा 0, तो ये भी है। थर्ड लास्ट वाला है, लास्ट वाले में अगर बीच में माइनस होता तो बन जाता, यहाँ प्लस है तो 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, 2 से 2 गया तो 1 प्लस 1 कितना बन रहा है 2, लेकिन अगर बीच में माइनस होता तो आपका क्या आ जाता, आंसर 0 आता, मतलब ये जो है ना ये किसका 0 है, 2x माइनस 1 का है, 2x प्लस 1 का नहीं, ठीक है, कर लोगे, चले आगे। Yes, ma'am. चलो इसका आंसर बोल पे देना मुझे। अच्छा मुझे पोल पे ही देना, ऐसे मत तुम इतने कैलकुलेट कर लो। कर दिया बेटा मैंने लॉन्च। अपडेट तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बाकी यस मैम ठीक है, सबका ठीक है, कराने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, चेक करना था आपको जीरो कौन सी है, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए देखना है कि पॉलीनोमियल तो कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है, तो तुम क्या करोगे, वाई की जगह माइनस टू पुट करो तो 3 × -2 का क्यूब -16 × -2 -8 ये कितना हो जाएगा -24, यहाँ से बनेगा +32, इधर से कितना बनेगा -8, ये दोनों क्या हो गए -32 और एक क्या है +32, जीरो हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स -2 क्या है इसका जीरो। अब देखो लीनियर में ठीक है पता चल गया जीरो का मतलब क्या होता है, अब तुम्हें वो पूछ ले क्वाड्रेटिक में जीरो निकाल के बताओ, ठीक है, इनमें क्या करना पड़ेंगे, दो मेथड्स हैं आपके, बेसिकली वैसे तीन बोलते हैं लेकिन जो तीसरा है वो एक तरीके से दूसरा जो लिखा हो ना यहाँ पर, ये दूसरा और तीसरे का एंड रिजल्ट, कहना क्या चाह रही हूँ, एक मेथड तो क्या है आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स, बेसिकली इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बोल देते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है जिसको आप क्या बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये इन्होंने दिया था। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम निकालते हो ना जिस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है एक, ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप इसको डिराइव करते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलता है, और तीसरे मेथड का नाम भी इन्होंने यही दे रखा है, ठीक है,
यही मेथड है. तो अल्टीमेटली है तो सेम चीज, आप इसको इसके थ्रू ये फॉर्मूले तक पहुंच रहे हो, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ मेथड का नाम इन्होंने ये दे दिया और एंड रिजल्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दिया. ठीक है, तो पहले वाला केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है तो या फिर क्या कहना चाह रही हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिए दे दे, तो उसमें आप कैसे इनिशिएट करोगे अपनी जीरो निकालने के लिए. जीरो मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जो इसमें पुट करूं और मुझे क्या दे दे, जीरो. तो सबसे पहला काम जैसे हम लीनियर में कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल्स टू जीरो रख रहे थे उस चीज को, पॉलिनोमियल को, हमने यहां पर भी कर दिया. अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या होता है, आपको ये जो मिडिल टर्म है ये इस तरीके से ब्रेक करनी है दो नंबर्स में कि वो जो दो नंबर्स आपके निकल के आए उनका प्रोडक्ट तो क्या हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -18. ये तो क्या होना चाहिए उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और सम क्या होना चाहिए, ये जो बीच में है ना एक्स का कोफिशियंट, ये होना चाहिए आपका सम. मतलब आपको मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिनका प्रोडक्ट क्या है -18, सम क्या है -7. तो 18 देखते ही तुम लोगों को नोर दो दिमाग में आता है, राइट, 9 2 18 होते हैं, आता है. तो मैं सोचती हूँ मैं इन्हीं नंबर से ट्राई करती हूँ, ये हिट एंड ट्रायल ही है बेसिकली, तुम्हें दिमाग में ही सोचना है. 9 2 18 होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मुझे चाहिए -18. माइनस कैसे आता है किसी भी दो नंबर, किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, उनमें से कोई एक ना एक तो नेगेटिव होना चाहिए तभी आएगा भाई. 9 2 18 होता है, -9 2 -18 होता है, 9 -2 भी क्या होता है -18. लेकिन अगर मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो मुझे चाहिए माइनस में आंसर, प्रोडक्ट नेगेटिव करने के लिए कोई एक ना एक नंबर मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा. अब मुझे ये देखना है कि मुझे 2 नेगेटिव करना है या 9 को नेगेटिव करना है, वो कैसे देखूंगी. आपको अल्टीमेटली दोनों नंबर्स का सम क्या चाहिए, -7. 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस होगा तभी तो तुम्हारा जब सम करोगे तो अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव आएगा. समझ आई ये बात भाई, -9 + 2 ही क्या होता है आपका -7. अगर मैंने 2 वाला नंबर नेगेटिव ले लिया होता और फिर मैं इनका सम करती तो मुझे आंसर क्या मिलता, 7. तो यहां से मुझे क्या आइडिया लग गया कि एक नंबर तो क्या लूंगी -9 और एक नंबर क्या लूंगी +2. ठीक है, तो ब्रेक करके कैसे लिखोगे इसको, मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके लिखना था, ध्यान से देखो. 6x² - 7x को मैंने कैसे तोड़ दिया, -9x + 2x, देखो ये यूज कर लिए नंबर्स मैंने, -3 = 0. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कॉमन लेना है. यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है कॉमन और x भी आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इस टर्म की जगह तो बचेगा 2x, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 9x में से 3x बाहर निकाल लिया तो 3. अब तुमको चेक करना है कि तुमने अपने नंबर्स ठीक लिए हैं कि नहीं, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, 1. ये जो दूसरा ब्रैकेट बनना बनेगा ना तुम्हारा, ये इस जैसा ही बनना चाहिए सेम, अगर नहीं बन रहा तो गड़बड़ है, मतलब तुमने अपने नंबर्स गलत लिए, ठीक है, क्योंकि ये सेम बनेंगे तभी आप इस मेथड में आगे बढ़ सकते हो, कॉमन लोगे. अब इसमें ये दोनों पार्ट सेम है तो क्या कर लोगे, इसको कॉमन ले लोगे, 2x - 3, अंदर क्या बच गया, 3x + 1, ये पूरा पार्ट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो सिर्फ 3x बचा, इस पूरे को कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, = 0. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो एक ये वाला नंबर 0 रहा होगा, इसका मुझे नहीं पता क्या है, या ये 0 रहा होगा, या दोनों 0 रहे होंगे, इसका मतलब इतनी तो गारंटी है कोई ना कोई एक उनमें से 0 रहा होगा, तभी उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है. तो क्या करोगे, या तो ये वाला 0 है ब्रैकेट, या ये वाला 0 है ब्रैकेट, यहां से x क्या आ गया 3/2, यहां से x क्या आ गया -1/3, ठीक है. ये दो ऐसी वैल्यूज हैं x की जो तुम इसके अंदर पुट करोगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, आंसर क्या देगा आपका, 0, और यही क्या है तुम्हारी पॉलिनोमियल की जीरोज है. क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम. ये हो गया मिडिल टर्म वाला मेथड, ठीक है. मान लो सब यहाँ तो हम लोगों को डायरेक्टली चमक गया कि हम लोगों को दो नंबर्स ये लेने चाहिए, ठीक है. ऐसे बहुत जगह में फंसोगे जहां तुम्हें नहीं आइडिया लगेगा कि नंबर्स क्या है, तो वहां पर हम लोगों को अपना ज्यादा दिमाग नहीं तोड़ाना. अगर मान लो डायरेक्टली नहीं चमक रहा कि हम लोगों को नंबर क्या लेना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac / 2a. ये क्या है बेसिकली,
यहां से आपकी दो वैल्यूज निकलेंगी x की, एक तो क्या निकलेगी पॉजिटिव साइन के साथ ले लो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और एक क्या निकलेगी नेगेटिव साइन के साथ ले लो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। यही दोनों आपके क्या है जो भी क्वेश्चन आपको गिवन मिलेगा उसके क्या होंगे जीरोस होंगे। अब तुम पूछोगे बी ए सी क्या है राइट, यहाँ पर भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट काम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा था ना, और यहाँ हमें पॉलीनोमियल क्या दे रखा है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। अब कोई बोल दे मुझे इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना है ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये एबीसी पता होने चाहिए। एबीसी कैसे पता करोगे, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ए की वैल्यू क्या है सिक्स, बी की वैल्यू क्या है एक्स का कोफिशियंट माइनस सेवन, और सी की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट टर्म। जैसे ही तुम्हें ये तीन वैल्यूज पता चल गई उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, तुम्हें ये ए बी सी की वैल्यूज डालनी है बस ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक, देखो माइनस बी, बी क्या है माइनस सेवन और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस सेवन प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस सेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है सिक्स और सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री अपॉन में टू, ए की वैल्यू क्या है सिक्स, इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन प्लस अंडर रूट 49, ये कितना बनेगा ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा तो मतलब ओवरऑल प्लस आएगा यहाँ, और फोर्थ इज 12 सिक्स 72 अपॉन में टू सिक्स 12 ये बन गया सेवन प्लस अंडर रूट एड कर दो इनको 121 अपॉन में 12। यहाँ तो क्लियर है सबको। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 121 होता है 11, तो अंडर रूट 121 क्या हो जाएगा 11, ये क्या बन गया 18/12, ये क्या हो गया 6 से कट जाएगा 3/2, तो क्या एक रूट मेरा इधर भी 3/2 आया था और एक रूट मेरा इधर भी क्या आ गया 3/2। दूसरे वाला कैसे निकलेगा, अब दूसरे वाला पूरा सॉल्व करने बाद बैठ जाना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है एक माइनस का ही डिफरेंस है, तो जहां जहां ये प्लस लगा था ना इधर माइनस कर दो, ये माइनस हो गया ये भी माइनस ये माइनस, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 7-11/12 -4/12 मतलब -1/3, यही आया था आपका दूसरा रूट जीरो ठीक है। तो अगर इजी क्वेश्चंस है तुम लोगों को, मिडल टर्म स्प्लिटिंग इजी लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में चमक रहा है भाई हाँ मुझे ये दो नंबर लेने हैं तो मिडल वाला लगाओ बेस्ट है। अगर तुम्हारे नहीं चमक रहा तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना उसके ऊपर, सीधा किस पे जंप मार देना क्वाड्रेटिक पे। इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, अपना टाइम हो गया अभी, कि ये चीज आई कहां से है, और वहीं पर मैं तुम्हें वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लूंगी ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है कि ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कराई और ये वाला बता दिया, तो जितने क्वेश्चन तुम यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो पहले यही वाला करके देखना है अप्रोच मिडल वाला, फिर मिडल से नहीं हो रहा तो तुम किस पे जंप कर जाना क्वाड्रेटिक पे जंप कर जाना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें ना तो तुम्हें मिडल की जरूरत है ना क्वाड्रेटिक, जैसे ये वाला है ना इसमें तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं, इसमें तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये फिर ट्राई कर लेना, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताओ, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतने ये करके आना, आपके मेथड्स ये पक्के होने।